सत्ता के विकेंद्रीकरण के तहत ही त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था बनाई गई है ताकि गांव के लोग सामूहिक रूप से स्वयं ही अपने विकास की योजना बना सके। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के तहत पंचायत स्तर पर 6 समितियों का गठन किया जाता है। यही समितियां पंचायत के समस्त विकास कार्यों के लिए उत्तरदायी होती हैं। परंतु बड़े अफसोस की बात है कि भदोही जनपद ज्ञानपुर ब्लॉक के गलहिया गाँव में पंचायत चुनाव होने के 5 महीने बाद भी पंचायत की समितियों का गठन नहीं हो सका है, जिससे पूरे गाँव का विकास कार्य बाधित है। समस्या यह है कि हमारे ग्राम सभा में या ग्राम पंचायत में खुली बैठक नहीं हो पा रही है और ना ही समिति का गठन हो पा रहा है, जो कि सदस्य लोग कई सदस्य 8 से 10 सदस्य चाह रहे हैं कि खुली बैठक को करके समिति बनाया जाए, लेकिन यह प्रधान नहीं चाह रहा है कि खुली बैठक करके हम समिति बनाएं। समिति वो अपने मन मावित बनाना चाहता है, जो कि वो अपने हिसाब से चलाए, वो अपने यहाँ बनाना चाहता है, जबकि गाँव के 8 से 10 सदस्य और गांव के सभी नागरिक चाहते हैं कि ग्राम गलहिया में एक आंगनबाड़ी केंद्र है, वो मध्य में है, उसमें मीटिंग हो और खुली बैठक की सारी विस्तार से योजनाओं का लाभ पात्रों को मिले। सारे सदस्य जागरूक हैं, इसलिए चाहते हैं कि हम लोगों को सारा अनुभव हर चीज़ का पता हो कि हमारे गाँव में क्या क्या आता है, क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है। हम लोग यही चाहते हैं और वो हमेशा चाहते हैं कि हम सबको पता न ये चीज़ चले, ताकि हमको हर चीज़ का लूट घसोट करने का मौका मिलता रहे। दिक्कत बहुत से है, पंचवर्षीय में भी, अगले पंचवर्षीय में भी दिक्कत बहुत थी। अगले पंचवर्षीय में एक बार मीटिंग किया, इसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुआ। हम लोग कई मांगे किया, पूरा नहीं हुआ। इसके बाद वो धमकी दे करके सबको भगा दिया, न मालूम पड़ा गाँव में कि मीटिंग हुआ नहीं हुआ। और फिर इस बार वही चाल हो रही है कि अपने घर में मीटिंग कराऊँ, गाँव को कोई पता नहीं रहे, काम हो या ना हो गांव से कोई वास्ता नहीं। उससे बदबंग किस्म का व्यक्ति है, वो पूरे ग्राम सभा में लोगों को भयभीत करके रखा है, अब लोगों को धमकाता भी है, डराता भी है, अगर नहीं आएंगे तो हम लोगों का भी इस वक्त हमारे 8 से 10 सदस्य को वो धमकी भी दे दिया है कि हम समिति अगर नहीं गठन आके हमारे यहाँ कराते हैं तो हम आप लोगों की सदस्यता रद्द कर देंगे। हमने तो नोटिस भी दिया है, डीएम को भी दिया है, एसडीएम को भी दिया है, ब्लॉक पे भी दिया है, मंत्री को भी दिया है, मुख्यमंत्री को भी दिया है, लखनऊ भी भेजा है, हर जगह दिया है। तो क्या हुआ मतलब? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। एक बार आए थे सेक्रेटरी साहब और फिर कोई हमको सूचना ही नहीं उसके बारे में। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि ग्राम सभा की खुली बैठक बुलाकर पंचायत की सभी 6 समितियों का नियमानुसार गठन किया जाए, ताकि गाँव के विकास की योजनाएँ बन सके। मैं वीडियो देखने वाले सभी सदस्यों से अपील करता हूँ कि ज्ञानपुर ब्लॉक के वीडियो जिनका मोबाइल नंबर 94-54-46-28 पर कॉल कर दबाव बनाएं, जिससे यहां की समितियों का गठन हो सके। मैं अनिल कुमार, भदोही उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहट के लिए।